दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आज रोहित शर्मा होते तो शायद टीम इंडिया मैच जीत जाती, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही सीरीज में रोहित शर्मा को मिस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मिस यू रोहित लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम सबको लगता है कि रोहित शर्मा को टीम इंडिया के साथ होना चाहिए था, जिससे टीम इंडिया को कई फायदे होते। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले मैच में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम की आज ऐतिहासिक शुरुआत होनी थी और भारतीय टीम को आज शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, भारतीय टीम उम्मीद कर रही थी कि उनके गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही कमाल करेंगे, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या और शिखर धवन को छोड़ दें तो सभी आज पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। लेकिन इस मैच के दौरान एक निजी चैनल के लिए कॉमेंट्री कर रहे आशीष नेहरा ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे भारतीय टीम में दरार साफ नजर आई। आशीष नेहरा ने साफ साफ शब्दों में कहा कि भारतीय टीम में कुछ भी सही नजर नहीं आ रहा। उन्होंने ये इस बिहाव पर कहा क्योंकि कल विराट कोहली ने जो मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि उनको रोहित शर्मा के बारे में कोई भी अपडेट नहीं थी। उनको नहीं पता कि रोहित शर्मा चोटिल हैं या नहीं। उन्हें तो लग रहा था कि रोहित शर्मा फ्लाइट में होंगे, लेकिन रोहित को फ्लाइट में ना देखकर वो बहुत चक्के रह गए और उनकी चोट के बारे में भी उनको कुछ भी क्लियर नहीं पता। उन्होंने कहा कि लैक ऑफ क्लियरिटी की वजह से इतना बड़ा मुद्दा उठा है और इस बारे में उन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। अगर रोहित फिट होंगे तो टीम में आ जाएंगे, अगर वो फिट नहीं होते तो टीम में नहीं आएंगे। इस पर आशीष नेहरा ने कहा कि कप्तान को अपने खिलाड़ियों के बारे में नहीं पता तो कैसे वो टीम चला सकता है, कैसे इतनी बड़ी कंट्री का बोझ वो अपने ऊपर लेके जा सकता है। अगर उन दो खिलाड़ियों में, कप्तान और वाइस कप्तान में बात ही नहीं होती तो वो कैसी टीम। एक कप्तान के तौर पर उन्हें रोहित से पूछना चाहिए था और एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा को भी अपने कप्तान को बताना चाहिए था कि उनकी फिटनेस कैसी है, क्यों वो आईपीएल के अंतिम मैच खेले और क्यों वो बीच में आराम करने बैठ गए, क्या वो फिट नहीं थे, क्या वो फिट थे। इन सारी चीज़ों की जानकारी टीम मैनेजमेंट और कप्तान को होनी चाहिए थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि कप्तान को अपने खिलाड़ियों से कन्वर्सेशन करते रहना चाहिए, जिससे कि खिलाड़ी क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी उसको पता हो। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा टीम पर पड़ता है और वो आज हुआ और आज टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने आज पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 374 रन जैसा बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरुआत में फ्लॉप साबित हुई, लेकिन बीच में हार्दिक पांड्या और शिखर धवन ने शानदार बल्लेबाजी की। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया को जिता देंगे, लेकिन एक समय आते आते ये दोनों बल्लेबाज आउट हो गए और टीम इंडिया को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा के होने से टीम इंडिया फर्क पड़ रहा है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप भी रोहित शर्मा को मिस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मिस यू रोहित लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रोहित शर्मा वाकई में लाजवाब खिलाड़ी हैं और वो टीम इंडिया में होने चाहिए थे। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।